हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको पिंपल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत इजी है इसको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, हमारा फेस बिल्कुल क्लीन रहे, हमारे फेस पे बिल्कुल भी पिंपल्स ना हो, इसके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो इसके लिए हमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। फ्रूट्स में भी पपाया और अनानास बहुत अच्छा रहता है और लौकी बहुत अच्छी है हमारे बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना रहे। पानी बहुत ज़्यादा पिए, पानी में भी अगर हल्का सा गुनगुना पानी करके हम उसमें नींबू डाल के पीते हैं तो वो उससे भी ये प्रॉब्लम सही होती है। उसके अलावा एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने ये नीम के पत्ते लिए हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। नीम के पत्तों को हमें बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से पानी में खूब अच्छे तरीके से धोने के बाद में हम इसको धूप में सुखाएंगे। कम से कम अगर मान लो धूप नहीं है तो हम इसकी पत्तियाँ तोड़ के, इस तरीके से हम इसकी पत्तियाँ तोड़ के हम इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं अगर हमें धूप नहीं है, पर अगर ओरिजिनल धूप में ही सुखाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ये मैं आप उसको सुखाने के बाद में अच्छी तरह से जब हमारी पत्तियाँ सूख जाएंगी फिर मैं इसको मिक्सी वगैरह में पीस लेंगे। इस तरीके से मैंने पैक को ये मिक्सी में पीस लिया है। इसको हम पैक को जितना महीन पीसेंगे, जितना हमारा बारीक पीसेगा उतना ही हमारे फेस के अंदर जाएगा तो उतना ही ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हमारा पीसने में भी मोटा हमें लगता है कि पिसा हुआ है, उसको भी हम कपड़े से भी छान सकते हैं। जैसे मैंने मेहंदी बताया था कि मेहंदी को हम कपड़े में छानते हैं, सेम उसी तरीके से हम नीम को भी कपड़े में छान सकते हैं ताकि बिल्कुल महीन नीम हमारे पास में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब बताती हूँ कि हम इस नीम के पैक में और क्या मिक्स करें। फ्रेंड्स, ये हमने नीम को पीस के इस बाउल में ले लिया है और इसमें हम सिर्फ दूध को मिक्स करेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी ले सकते हैं। अगर आप उबला हुआ मिल्क ले रहे हैं तो उसकी मलाई हटा लीजिएगा। इसको हम इसमें हम और कुछ नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ दूध ही इस नीम के पैक में मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये तैयार है। इस पैक को हम आधा घंटा अपने फेस पे लगाएंगे। अगर नेक वगैरह पे भी हमें लगता है कि पिंपल्स वगैरह है, इधर शोल्डर्स पे भी लगता है तो वहाँ पर भी हम इस पैक को लगाएंगे और उसको आधा घंटा रखेंगे और उसके बाद में इसको हम प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम फेस पे कुछ नहीं लगाएंगे, किसी फेस वॉश वगैरह से या साबुन से किसी और चीज़ से हम फेस को नहीं धोएंगे, सिर्फ प्लेन वाटर से हम इसको वॉश करेंगे। ये हमें 15 डेज रोज करना है। आधा घंटा किसी भी टाइम आप अपने टाइम के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रहेगा, ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थंब का बटन जरूर हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को भी आप शेयर भी कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।